खबर के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर कानपुर से है। कानपुर में बंदूक की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। बंदूक की नोक पर पेट्रोल पंप कर्मी से लूट हुई है। सीसीटीवी फुटेज में लूट करते हुए तीन युवक दिखाई दिए। दिन दहाड़े लूट की वारदात के बाद लुटेरे हुए हैं फरार। बिधनू थाना क्षेत्र के कैथा रोड के पास ये पेट्रोल पंप है जहां पर ये लूट की वारदात सामने आई है। तीन युवक आते हैं पेट्रोल पंप कर्मी से कैश लूट करके मौके से दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पर कैश लेकर के ये शख्स दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बाइक पर सवार कुछ लोग आते हैं, इस शख्स से छीना झपटी कर रहे हैं। इसने रोकने की कोशिश कर रही है की, लेकिन उससे पहले ही दो लोग जो बैग लेकर भाग रहे हैं वो दिख रहे हैं। एक शख्स बाइक लेके पहले से ही तैयार था, उस पर दोनों सवार हुए और मौके से फरार हुए। तो ये फुटेज सामने आया है सीसीटीवी। अमूमन हर पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी इंस्टॉल रहता है और उसी फुटेज के आधार पर अब इनकी धरपकड़ की जाएगी। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। आज से यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाएं आज 16 जनवरी से शुरू होकर के 20 जनवरी तक ये प्री बोर्ड परीक्षाएं चलने वाली हैं। पहली मर्तबा आयोजित हो रही है प्री बोर्ड परीक्षाएं। प्रयागराज में हाई स्कूल की परीक्षा के लिए 108,163 छात्रों ने आवेदन किया है और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 101,516 स्टूडेंट शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए टीम निकलेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने ये जानकारी दी है। प्री बोर्ड की परीक्षाएं आज से आयोजित की जा रही है। आज से यूपी बोर्ड की प्री बोर्ड के एग्जाम्स होने हैं। 20 जनवरी तक ये परीक्षाएं चलेंगी और इंतजाम पूरे कर लिए गए। परीक्षा केंद्रों में केंद्रों के निरीक्षण के लिए टीम निकलेगी अलग अलग हिस्सों में। जहां पर भी परीक्षा केंद्र बनाए गए वहां पर टीम निरीक्षण के लिए पहुंचने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।